रहीम टू वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स जिसमें हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे ऑप्शंस में देयर इज वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी विच वी नीड टू स्पेसिफिकली लर्न दैट इज इंडेक्स एंड बॉन्ड ऑप्शंस यानी कि बॉन्ड्स और इंडेक्स रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड्स जो हैं उस पर अगर हम ऑप्शन ले रहे हैं तो हाउ इट वर्कस आउट ऑप्शन ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड ऑप्शन ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड ऑप्शन में बी डिफाइंड एज अ कॉल ऑप्शन जैसे राइट टू बाय और पुट ऑप्शन एट अ स्पेसिफाइड रेट प्राइस और रेट यहां पे अब दो बातें क्या है आमतौर आम पर हम नॉर्मली शेयर की बात करते थे तो रेट की करते थे अब यहां पे हम कह रहे हैं प्राइस और रेट प्राइस और रेट इज मैंशन बिकॉज सम मार्केट्स डील ऑन प्राइस एंड सम और रेट जैसे मैं कहूं कि आपके पास ऑप्शन है कि ये वाला बॉन्ड नौ सौ रुपए का खरीद सकते हैं तो ये एक प्राइस पे हुआ है या आपके पास ऑप्शन हो कि यू कैन बाय दिस बॉन्ड एट द रेट ऑफ 12.25 पॉइंट टू फाइव दिस इज ऑप्शन एट अ रेट बोथ प्रिवेल्स इन द मार्केट सो दैट्स वाई वी आर से दोनों पर ये होता है और बॉन्ड ऑप्शन जो हैं ये ओ टी सी भी होती हैं अब तक मेरा ख्याल है ओ टी सी का आपको बहुत ज़्यादा पता लग जाना चाहिए बट स्टिल फॉर मेमरी आई कैन डू इट ओ टी सीज ओवर दी काउंटर यानी कि जो आपके लिए कस्टमाइज होते हैं जिसमें हमने फॉरवर्ड्स में स्पेसिफिकली इनकी बात ज़्यादा की थी या स्टैंडर्डाइज होते हैं दैट इज एक्सचेंज रेट रिवंस दोनों तरह के ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं लिस्टेड बॉन्ड ऑप्शन आर ऑप्शन ऑन स्पेसिफाइड बॉन्ड दैट आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज के जो बॉन्ड लिस्टेड हैं उन पे आपकी ये ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं मैनी एक्सचेंजेस हैव सच ऑप्शंस के जहां जहां बॉन्ड ट्रेड हो रहे होते हैं उनके साथ उनकी ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं ऑप्शन ऑन बॉन्ड इंडेज इंडेज में मतलब देर मल्टीपल बॉन्ड जिसपे आपका एक्सपोजर है तो आप उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं एंड अगेन इज राइट टू बाय एंड राइट टू सेल बट इन द केस ऑफ़ इंडेक्स बिकॉज इंडेक्स का कोई अपना एक स्पेसिफिक रेट नहीं होगा उसमें कोई बारह परसेंट वाला भी होगा कोई बीस परसेंट वाला भी होगा तो इंडेक्स के जो नॉर्मली है ऑप्शन दैट आर ऑन प्राइस कि वो प्राइस पे ये अवेल कर रहे होते हैं और जो रेट वाले हैं वो स्पेसिफिक बॉन्ड्स पे चल रहे होते हैं द इंडेक्स इन एबल इन्वेस्ट टू मई अर परफॉर्मेंस ऑफ बॉन्ड्स इन वेरियस टर्म्स के वो ओवरऑल पोर्टफोलियो के साथ लिंक करके एंड देन यू कम अपेंजेस इन प्राइस और उसका इम्पैक्ट आप लेते हैं बॉन्ड वॉरेंट्स बॉन्ड वॉरट्स एक फ्रीकुंट टर्म है जो कि ऑप्शन के कॉन्टेक्स में यूज होती है दैट इज द कॉल ऑप्शन दे आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड वॉरट्स बॉन्ड वॉरट्स रिटेल ऑप्शन एंड बॉन्ड वॉरेंट्स कॉल ऑप्शन ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में नेचर सेम है कि आपके पास राइट टू बाय है बट हाउ इट एक्जीक्यूट वो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है द टर्म बॉन्ड वॉरेंट इंटरनेशनली एग्री रेफर टू कॉल ऑप्शन ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड बट विद डिफरेंस अब डिफरेंस कहां पर आता है वेन बॉन्ड वॉरेंट कॉल ऑप्शन इज एक्साइज दैट लीड टू इशुंग ऑफ न्यू बॉन्ड यानी कि वॉरेंट्स जिसके पास हैं जब वॉरेंट्स आएंगे तो जो कंपनी है वो नए बॉन्ड इशू करेगी दैट्स द डिस्टिंक्शिंग फैक्टर कि एक न्यू इंस्ट्रूमेंट इशू होगा एग्जिस्टिंग वाले जो आपके पास ऑप्शन है उसकी बेस पे अंडरलाइंग बॉन्ड ऑल्सो एज लॉन्ग टर्म मचोरिटी यूजली टेन ईयर्स और लॉन्ग नॉर्मल इनका टर्म होते हैं वेयर एज जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड वॉरट रिटेल ऑप्शन है टर्म बॉन्ड वॉर रेफर टू ऑर्डनरी ऑप्शन ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड अब ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स पे भी ट्रेडिंग हो सकती है कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो हैं उस पर आपके वॉरेंट्स मूव करें और पहले वाला केस हमने जो बात की थी उसमें न्यू बॉन्ड इशू होंगे जो कि हमारे साथ रेलिवेंट होंगे कॉल एंड पुट्स रिटर्न ऑन ट्रेडेड एंड कॉल डू नॉट लीड टू न्यू इशूएस ऑफ बॉन्ड ये जो एग्जिस्टिंग इशू हो चुके हैं उन्हीं की बेस पे सेटलमेंट हो रही होती है कोई नया बॉन्ड कंपनी नहीं इशू करेगी जैसे अगर ट्रेडेबल बॉन्ड्स हो रहे हैं और पहले के बॉन्ड इशू हुए हुए हैं तो उन्हीं एग्जिस्टिंग की बेस पे सेटलमेंट होंगी वेयर आज जब न्यू इशू होगी कि पहले एक हज़ार वाला बॉन्ड इशू हुआ हुआ था अब क्योंकि जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो रही है तो एक नया इशू हो रहा है तो वो दोनों को डिस्टिंक्ट कर देती है चीज को इशूअर ऑफ वॉर इज द राइटर एंड द होल्डर देअ फोर एज राइट टू एक्सरसाइज टू इशू कि जो हमारे पास राइट right है कि हमें ये बॉन्ड आप इशू करें एज सच वॉरंट होल्डर काउंटर पार्टी रिस्क अब इसमें डिफॉल्ट रिस्क आता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद द इश्यूअर फैक्टर के वो अगर बॉन्ड नहीं देता या उसके हालात खराब हो जाते हैं देन यू विल बी बेट ऑन द लूजिंग साइड तो इसलिए ये डिफॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क इसमें स्टैंड करता है बॉन्ड वॉर्न से नेबल इन्वेस्टर्स टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपेक्टेड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड्स के प्राइस में या इंटरेस्ट रेट्स में जो चेंज आएगी यू कैन गेन और लूज आउट ऑफ इट मेनली जब ऑप्शन की बात है तो इनिशियल प्रीमियम आपने दे दिया होता है तो यू आर बेटिंग ऑन द फेवरेबल मूवमेंट जिससे आपको फायदा हो सकता है कॉल वॉन्ट्स आर बॉर्ड एंड ऑड टू प्रॉफिट फ्राम एक्सपेक्टेड इनक्रीज इन प्राइस कि हम लो रेट पर बाय कर लें प्राइस बढ़े एंड वी गेन आउट ऑफ इट दैट इज द नॉर्म ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट जो हम देख रहे होते हैं यही हमारी डिजायर होती है कि प्राइस गो अप एंड वी गेन आउट ऑफ इट दिस इज न टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच वी नीड टू लर्न कॉलेबल एंड पोर्टेबल बॉन्ड पुट बॉन्ड भी कहते हैं पोर्टेबल बॉन्ड्स भी कहते हैं बोर्ड टर्म्स आर बींग फ्रीक्वेंटली यूज अब इनको कहते हैं बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन कि ये बॉन्ड के अंदर ही हमने ऑप्शन डाल दी है कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा बॉन्ड्स विद प्रोविजन दैट अलाउ इश टू रीपरचेज जैसे ये जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है वो अब वैसे तो 20 साल का बॉन्ड इशू करती है लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि कॉल प्रोविजन है कि कंपनी अगर चाहे तो वो बीच में तीन साल बाद पाँच साल बाद दोबारा वापस भी खरीद सकती है तो ये इसको कंपनी जो इशू कर रही है उसके पास एक एडवांटेज मिल रहा है इसको कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड अब आम बॉन्ड अगर आपके पास 20 साल का है तो कोई आपको नहीं कह सकता कि भाई ये बॉन्ड हमें वापस दे दो लेकिन कॉलेबल बॉन्ड कंपनी ऐसा कह सकती है इट इज़ यूजअल दैट कॉलेबल बॉन्ड्स आर नॉट कॉलेबल फॉर सम ईयर्स उसका टाइम रखा होता है उन्होंने ये नहीं कि अगले दिन ही कॉल कर लें अगर बीस साल का बॉन्ड है तो कहें पाँच साल के बाद हो सकता है या दस साल के बाद या सात साल एनी पीरियड कुड बी देयर बट इट

तो इस बॉन्ड की प्राइस नॉर्मल बॉन्ड से थोड़ी कम होगी बिकॉज इन्वेस्टर इज एड अ लूजिंग साइड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो उसको इसका प्रीमियम मिलना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्शन जो ईश्वर ने रखी हुई है तो उसका प्रीमियम उस इन्वेस्टर को मिलेगा इनकन पोर्टेबल बॉन्ड या पुट बॉन्ड्स इसमें क्या है इसमें अगर 20 साल का बॉन्ड होता है तो इन्वेस्टर 20 साल बाद कंपनी के पास जाएगा और वो पैसे कंपनी उसको देगी मीन वाइल वो दरमियान में कहीं बेच सकता है लेकिन कंपनी उसको पैसे बीच में नहीं देगी जो पोर्टेबल बॉन्ड्स होंगे उसमें इन्वेस्टर के पास राइट होगा कि आप जब वो एक सर्टन पीरियड के बाद वो कंपनी को कह सकता है कि भाई ये आप बॉन्ड मेरे से वापस खरीदें इट्स अ स्पेसिफिक एडिशनल फीचर गिवन टू हिम कि वैसे तो बीस साल का बाद है लेकिन वो दस साल बाद भी कंपनी को कैसे थे कि जी टेक दिस बॉन्ड बैक एंड गिव मी मनी एट दिस एक्स रेट तो ये एक एडिशनल फीचर आ गई अब जब ये एडिशनल फीचर आएगी तो दीज बॉन्ड्स आर हैविंग एडिशनल फीचर यानी कि आपको एक बॉन्ड भी मिल रहा है साथ आपको एक ऑप्शन भी मिल रही है तो इसका मतलब है इस ऑप्शन का आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा यानी कि अगर आम बॉन्ड इसी तरह का हज़ार का मिल रहा है तो ये वाला बॉन्ड मोस्ट लाइकली आपको एक हज़ार पचास का मिलेगा या ग्यारह का ग्यारह सौ का मिलेगा कि आपको वो प्रीमियम की पेमेंट भी करनी पड़ेगी तो दिस आर बॉन्ड्स विद पोर्टेबल ऑप्शन इसी तरह के एक और बॉन्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्टेबल बॉन्ड मीन कि ये एक सर्टन टाइम के बाद जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास चॉइस होती है कि इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर ले कंपनी के शेयर्स में तो वो फिर कैलकुलेट करेगा देखेगा कि अगर शेयर में कन्वर्ट करके वैल्यू मुझे ज़्यादा मिल रही है तो वो कन्वर्ट कर लेगा अगर शेयर की वैल्यू कम है तो कन्वर्ट नहीं करेगा लेकिन उसको चॉइस की तरह ये वाले बॉन्ड्स इनकी या प्राइस आपको महंगी मिलेगी या इन पे रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा सो दीज आर बॉन्ड्स विद द ऑप्शन थैंक यू